आइए देखें मध्य प्रदेश के 10 सबसे अच्छे स्थान और अन्य जरूरी जानकारियाँ। और वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, क्योंकि वीडियो में पूछे गए प्रश्न का जवाब देकर आपको मिलता है मौका ढेरों 10 on 10 इनाम जीतने का। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में मौजूद भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। मध्य प्रदेश को भारत का दिल भी कहा जाता है। ना सिर्फ इसके भारत के बीचों बीच होने की वजह से, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यहाँ के पर्यटन स्थल आपका दिल चुरा लेंगे। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 सबसे अच्छी जगह कौन सी हैं। नंबर 10, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में आप देख सकते हैं भेड़ा घाट, जो कि एक अनोखी जगह है। भेड़ा घाट में नर्मदा नदी के किनारे सैकड़ों मीटर ऊंचे संगमरमर पत्थर की खड़ी चट्टाने हैं, जो कई सालों के नर्मदा नदी के पानी के कटाव से बनी हैं। इस जगह रात को चांद की रोशनी में नौका सवारी का आनंद आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इस जगह से कुछ ही दूर स्थित धुआंधार पानी का झरना भी पर्यटकों की एक पसंदीदा जगह है। नंबर 9, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आपको भारतीय संस्कृति और परंपरा की एक खास छाप देखने को मिलती है। यूं तो इंदौर अपने व्यवसायिक महत्व के लिए जाना जाता है, लेकिन इसको पर्यटन के लिहाज से भी कम ना किए। यहाँ एक तरफ लाल बाग महल और रजवाड़ा जैसी आलीशान इमारतें हैं, तो दूसरी तरफ कांच मंदिर और अन्नपूर्णा मंदिर की भी काफी मान्यता है। नंबर 8, ओरछा। 8वें नंबर पर है ओरछा, जो कि रानी लक्ष्मीबाई के नाम से मशहूर झांसी शहर के बगल में स्थित भारतीय इतिहास का खजाना संजोए एक ऐतिहासिक शहर है। बेतवा नदी के तट पर बसे ओरछा शहर में आपका स्वागत करेंगे छतरभुज मंदिर, राज मंदिर और लक्ष्मी मंदिर जैसे विख्यात मंदिर, जो कई सदियों पहले बनाए गए थे। ओरछा एक समय पर बुंदेल के निडर शासकों की दहाड़ से गरजता था। नंबर 7, भोपाल। और अब बात करते हैं भारत के दिल की, यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। भोपाल पूर्व में कई दर्दनाक त्रासदियों से गुजरा है, लेकिन आज आप भोपाल को अनेक रंगों और स्वरूप में पाएंगे। भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई शीतल झीलें मौजूद हैं जहाँ आप बोटिंग कर सकते हैं। भोपाल की ताजुल मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, साथ ही मोती मस्जिद भी काफी लोकप्रिय है। अगर आप भोपाल जाएं तो भीमबेट का पत्थर की गुफाएं जरूर देखिएगा। इस जगह हजारों साल पहले आदि मानव चट्टानों को काटकर रहा करते थे। भोपाल के पास बने सांची के स्तूप का भी अपना महत्व है। नंबर 6, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपका मन हो रहा है जंगल के राजा बाघ को देखने का, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है एक उपयुक्त स्थान। इस राष्ट्रीय उद्यान में शाही बंगाली बाघ की घनी आबादी है, जिस वजह से बंगाली बाघ आसानी से सफारी के दौरान आपको देख सकते हैं। और तो और यहाँ हिरन, नील गाय, तेंदुआ, रंग बिरंगे पक्षियों समेत करीब करीब 200 से ज्यादा प्रजाति के पशु पक्षी गुजर बसर करते हैं। नंबर 5, उज्जैन। 5वां स्थान हासिल किया है उज्जैन ने, जो कि भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है। उज्जैन में हर 12 सालों में विश्व के सबसे बड़े मेले कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। उज्जैन भारतीय सभ्यता से करीबी से जुड़ा शहर है, जिस वजह से यहाँ अनेकों देखने लायक मंदिर मौजूद हैं। इनमें से काल भैरव मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, हर सिद्धि मंदिर कुछ चुनिंदा उल्लेखनीय मंदिर हैं। नंबर 4, पंचमढ़ी। आइए अब रुक करते हैं पंचमढ़ी का, जो कि है मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन। लगभग 1 किलोमीटर ऊंचे सतपुरा पहाड़ियों के इस हिल स्टेशन पर गर्मियों के महीने में काफी पर्यटक आते हैं। कम ऊंचाई की पहाड़ी होने के बावजूद हरे भरे जंगल और सुकूनदायक पानी के झरने इस पहाड़ी को एक मुकम्मल हिल स्टेशन बनाते हैं। नंबर 3, ग्वालियर। ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक शाही शहर है, जहां सुंदर किलों, महलों और मंदिरों से इस शहर के अतीत की शानो शौकत झलकती है। ये शहर राजशाही सिंधिया परिवार का भी गढ़ माना जाता है, जहां सिंधिया परिवार से जुड़े जयविलास महल और सिंधिया संग्रहालय देखा जा सकता है। इसके अलावा ये शहर ग्वालियर के किले, गुजारी महल और तानसेन के मकबरे के लिए भी प्रसिद्ध है। नंबर 2,
खजुराहो। दूसरे नंबर पर स्थान संभाला है खजुराहो ने, जो कि इस सूची की बाकी जगहों से काफी अलग है। खजुराहो को एक अच्छा हनीमून डेस्टिनेशन भी माना जाता है, जिसकी वजह आपको यहाँ जाकर मालूम पड़ जाएगी। खजुराहो अपने अनेकों मंदिरों के लिए जाना जाता है, जिनका निर्माण 10वीं सदी के आसपास किया गया था। इनमें से कई मंदिरों पर रोचक मूर्तिकला भी की गई है, जो कामसूत्र नाम की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक को अपनी पहचान भी देती हैं। नंबर एक, कान्हा टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से 200 किलोमीटर दूर एक और लोकप्रिय जगह है, जहां जंगली जीवन को करीब से देखा जा सकता है। ये है मध्य प्रदेश का कान्हा टाइगर रिजर्व। इस जगह के महत्व से प्रभावित होकर मशहूर लेखक रुडयार्ड किपलिंग जी ने जंगल बुक नाम की सुप्रसिद्ध पुस्तक लिखी।